वरुण अश्व विकास इज नॉट जस्ट एनी अदर स्टर्ट फार्म, ये एक ऐसा स्टर्ट फार्म है जिसने इस पूरी इंडस्ट्री को इवॉल्व होते देखा है. इट हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द इंडिजीनियस हॉर्स ब्रीड्स इन इंडिया. नेम्ड आफ्टर हिज सन, वरुण अश्व विकास इज अ प्रोडक्ट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन एंड पैशन फॉर द ब्यूटिफुल हॉर्सेस. मीट मिस्टर रंजीत नगरकर, a passionate horseman and the owner of Varun Ashwa Vikas. Myself is Ranjit Nagarkar. I'm a owner of Varun Ashwa Vikas. Basically, ये जो घोड़े हैं ये पिछले 25 साल से मैं अपने साथ रख रहा हूँ और ये अभी एक मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है. It is more of a passion than anything to me. Being an animal lover since the start, Ranjit ji को पता भी नहीं चला कि उन्हें horses से इतना लगाव कब हो गया. हॉर्सेस की वजह से आज वे इतने कामयाब हैं. आज लोग उनका और उनके स्टर्ट फार्म का नाम रिस्पेक्टफुली लेते हैं. और सिर्फ घोड़ों की वजह से रंजीत जी को इन 25 सालों में काफी कुछ मिला है. बेसिकली शुरू से मैं एनिमल लवर रहा हूँ. मेरे ग्रैंडफादर, माय फादर, दे ऑल आर एनिमल लवर्स. पर जब घोड़ों के साथ में मैंने जिंदगी बितानी चालू की तो व्हेनेवर आई गेट अ स्पेयर टाइम आई टू स्पेंड टाइम विद हॉर्सेस. और इससे लगाव इतना बढ़ गया, एक अलग आइडेंटिटी बन चुकी है हिंदुस्तान में मेरी. माता पिता ने नाम तो दिया है पर एक अगर ये रंजीत नाम आता है या वरुण अश्वविकास आता है तो मेरी पहचान अलग बन गई. तो आई एम थैंकफुल टू हॉर्सेस कि ये घोड़ों की वजह से मुझे ये पहचान मिली है और अच्छे दोस्त परिवार भी मिले हैं मुझे. फैमिली सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग योर पैशन. एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर रंजीत जी को यह सपोर्ट लगातार मिलता रहा. In 1997, I got a small 2.5 months colt from Gujarat, from Girish Farm, Siddhapur, and he was just 3 months old colt. I called my dad that I took such and such colt, but initially he got wild on me, ki why such a small colt you have taken, when he was still with his mom. And when I reached Nasik, I surprised to see that my grandfather. He got a cow for that colt just for his milk, and it was like I also felt that something was wrong, I did wrong, but my family supported me like anything. Unka yahi passion aur unki yahi family values unke ghodon mein bhi jhalakte hain. Yahi pyar aur mohabbat unke horses bhi unhein dete hain. One of my favorite horse was a mare called Rani. Unfortunately she is no more now. Last year she died. She was with me for 17 years. But thank God that she gave me Kasturi, her daughter, which is standing with me right now. Kasturi was born at my place. She is now 11 years old and she is at present my favorite horse. And this is the only horse on which I sit and I ride and I fulfill my passion with her. She is favorite of my family also, my kids, everybody love her like anything. रंजीत जी के घोड़े ही उनका लकी चार्म बन गए हैं और उसमें से एक रीजन है उनकी खूबसूरती. In today's scenario, the indigenous breeds have earned a lot of respect than what it was in the past. The indigenous breeds are no longer used in Indian marriages only, but we can see these breeds winning trophies in popular horse competitions across India. Ranjit ji ka is breed ko aage badhane mein kaafi yogdan raha hai aur isi experience ki wajah se woh aaj ki peedhi ko bhi motivate karte hain. Aajkal Hindustan mein Marwadi horses ke bare mein kaafi awareness ho gayi hai. और स्पेशली ये जो सोशल मीडिया में जो फेसबुक वगैरह जो है उसके थ्रू आजकल आपको घर घर में घोड़ा पाया जाएगा. पहले ज़माने में काफ़ी कम लोग घोड़े रखा करते थे, किसान लोग रखा करते थे मारवाड़ी को एक या सौ के दौर पे. पर अभी जो नया जनरेशन है ये काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है. पर मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ नए जनरेशन को कि घोड़ा लेना बहुत आसान है, उसे संभालना बहुत मुश्किल है. उसको एक छोटे से बच्चे के जैसे संभालना पड़ता है. अब तक लोगों को घोड़े यानी एक प्रोफेशन जैसे आप बोलते हैं कि कोई शादी बारात में घोड़े चलते हैं या नाचते हैं वैसा कुछ नहीं है. इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पर्सनल पेट ऑल्सो. और ये जो मारवाड़ी घोड़ा जिसको वॉर हॉर्स किया जाता था वो बीच के टाइम में इसको एक शोपीस बोल के रखा गया सिर्फ लोगों ने, जो उसके अंदर जो पोटेंशियल्स थे वो कभी बाहर आए ही नहीं. और आजकल के दौर में आप लोग देखोगे कि ये मारवाड़ी घोड़ा है, आपको रेस कोर्स में भी भागना चालू होएगा. यू कैन फाइंड देम इन स्पोर्ट्स, endurances, show jumping and everywhere. रंजीत जी के इतने तजुर्बे के कारण उन्हें जिंदगी में काफी मोटिवेशन मिला, काफी सपोर्ट और रिस्पेक्ट मिला और घोड़ों की वजह से वह काफी दुनिया देख पाए.
महाराष्ट्र में सारंगखेड़ा एक छोटा सा गांव है। हर साल दत्त जयंती का एक अवसर होता है। इस दत्त जयंती के मौके पे सैकड़ों सालों से यहाँ पे घोड़ों का मेला भरा जाता है सारंगखेड़े में। और एज डेज आर गोइंग ऑन, सारंगखेड़ा एक ऐसी ऊंचाई पे पहुँचा है कि आज उसका हिंदुस्तान ने देश के बाहर भी उसका नाम लिया जाता है सारंगखेड़ा। आप देखो हर साल वो एक स्टेप आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। तो इस चेतक फेस्टिवल को हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, महाराष्ट्र टूरिज्म भी सपोर्ट कर रहा है उसको, और डे बाई डे हर साल वहाँ पे घोड़ों की तादाद भी बढ़ रही है। इट्स ऑल अबाउट थैंक्स टू द कमिटी एंड द मेंबर्स ऑफ चेतक फेस्टिवल। वरुण अश्व विकास इज अ रिनाउंड स्टड फार्म टुडे, एंड नो मैटर व्हाट, द हॉर्सेस हियर आर फुल ऑफ चार्म एंड ब्यूटी।